हमें झारखंड है प्रदेश से और बिहार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने झारखंड में हमने देखा कि झारखंड जिस तरीका से किसी मजबूती के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता है, यहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीका से झारखंड आगे बढ़ा है, हम एक एक झारखंड वासियों को उस पर गर्व भी है और उसे विकास और उसे विकास के माध्यम से झारखंड के लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। चाहे वह यहाँ भी, चाहे आपको वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे दिव्यांग पेंशन की बात हो, चाहे यहाँ भी 100% लोगों को बिजली पहुँचाने की बात हो जो यहाँ नहीं था पहले, वो आपको सिर्फ मैं याद दिला रहा हूँ, चाहे यहाँ भी आयुष्मान भारत के माध्यम से हम लोगों की चिकित्सा की 100% गारंटी की बात हो, और चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव के गली गलियारे तक एक एक लोगों तक हम बिजली का कनेक्शन और पूर्ण रूप में हमें बिजली देने की बात हो, चाहे गैस के कनेक्शन जो हमने यहाँ सोचा भी नहीं था कभी, लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ उसका 100% पालन हुआ है। केंद्र की सरकार ने योजना बनाई उसको धरती पर उतारना और राज्य की योजना को भी 100% धरती पर उतारना, यह कर करके और जनता का एक विश्वास जीतने का काम आज इस राज्य की सरकार ने किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ इसी वजह से कि हमें 65 पार करेंगे, क्योंकि पहले जब हम चुनाव में देश के पहले उस समय इतने कामों का लाभ यहाँ की जनता को यह विश्वास जनता के पास नहीं थी, आज हमारे काम का नतीजा, आज हमारे नेतृत्व का परिणाम और लोगों को उसका लाभ आज मिल रहा है, इसलिए हम पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ इस बात को दोहरा रहे हैं मजबूती से कि हम निश्चित रूप से इस विधानसभा के चुनाव में हम 65 पार करेंगे। हमने यहाँ आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भी मात्र 5-6 माह पहले चुनाव हुआ है, हमें इसे माने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 100% मतदान केंद्रों पर भी हमने जीता है, जीत हासिल की 100% मतदान केंद्रों पर। और समय कोई कहते सारी बातों में लोगों का विश्वास को खत्म कर दिया, नहीं हमको विश्वास है इस सरकार पर, हमको विश्वास है इस नेतृत्व पर, हम इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी